हे सतगुरु हेलो हमें मारियो रे, ए ओंघोणा जागो अरे हुरो रे पुरो रो। भक्तों जो कायर आदमी कभी भक्ति नहीं कर सके, कायर कायर ने यदि लड़ाई में कह दियो कि जाओ कि नहीं फौजा फतेह करना हो, तो कायर आदमी तो छुपने की कोशिश करी, वो सामने कदम नहीं रखे। इनी प्रकार भक्ति रो ओई तरीको है, कायर आदमी भक्ति करी नहीं सके। सूरो पूरो आदमी वे मन उनो पक्यूडो वे, भक्ति री तरफ उनो मन वे, तो वो आदमी भक्ति कर सके, वरना भक्ति करनी बड़ी कठिन है। अरे सतगुरु हेलो हमें मारियो रे, नदी रे किनारे बाबू।
मालिकानी जान कम दीजो। एक घर में दो मता, एक वेरागण ने एक भोपी, एक है जागन जनाओ माजी सारी, दूसरों के पड़ फाबूरी। एक म्यान में दो तलवार घटे कौन, तो ये मन है यहाँ स्थापित कर दो एक बार। भक्ति कौन है, क्योंकि भक्ति बेटी संत की, और जहां भेजे जहां जाए, और भाव सबीरा एक है तो भक्ति करे। नफो है वो वस्तु में नहीं है, नफो सिर्फ और सिर्फ भाव में, और भाव के वजह आदमी जबरदस्ती यहां कोई नहीं आया, जबरदस्ती कोई नहीं आया। जरूर जरूर अपने माताजी के प्रति, माजिशा के प्रति जिनका भाव जगा है वो लोग यहाँ हैं, और जिनके भाव नहीं जगे वो अपने घर पे बेड पे रेस्ट कर रहे हैं। ये भाव की बात है, और भाव नहीं होता तो मैं भी यहाँ नहीं होता। ये जितने भी आए हैं और कई आ गए, वो मजबूरी से आए लेकिन पीछे खड़े हैं, उनका भाव नहीं है। जब भाव जुड़ेगा तो वो अपने आप बैठेंगे, ताली भी बजाएंगे, जयकारा भी बोलेंगे, सब कुछ अंदर से निकलेगा। लेकिन भाव के बिना वस्तु कितना भी संग्रह कर लो लेकिन उसका भाव नहीं है तो भगवान भी माता जी भी कदे ही राजी नहीं। क्योंकि जो थोड़ो जीवड़ो कहने में नहीं, बच्चे दोष पुराने मत दीजे और भक्ति राजी वेने कीजे। आज मैंने कही के मार मुंह कहीं करूं, मारे गुरु महाराज एड़ाई, हम गुरु महाराज कहूं कर आंदा उंदर हुलिया दान जेड़ा गुरु जेड़ाई जुजमान जेड़ा चेला हुई बेड़ाई गुरु हुई। गुरु कोई सामर्थ वे तो आदमी की दिशा और दशा मोड़ दे, और बाकी तो नहीं बोलो तो मर्जी थारी है सा, बोलो तो थारो फायदो हुई, घाटो कहीं नहीं। लिखियो है आधे हीर लाभन जो दोनों हाथ को ना करके सच्चे भक्त सभी के दोनों हाथ ऊपर। वासुदी हेलो बाल होता हमें अणक नहीं आवे मने, क्यों मारे दादी बाल ले गए तो थोड़ी तकलीफ आवे, गाड़ी तो मुड़ी दे पर बाल आवे को ना के तक। लेकिन दादी तो पासा कटो लावा बाल तो पासा आ जाए। लेकिन ये आनंद है जी, अरे हिरला हिरला ए हिरला भाई हिरला हमें हिरला हम बने जो तो पैंसठ होना चाहिए, हवा एक सटी नहीं होना चाहिए। एक आन बजाने वास्ते जोरदार तालियां बजाओ, थाने मारी सोगे नहीं बजाई, दोनों हाथ ऊपर कर। निसार भाई भीन मालू आया है, सब बजावनिया लेने आया है, हर वास्त जोरदार तानी है, आपर मेहमान है, कितना ही है नहीं तो आपर अतिथि देव भवे। ये
જૂટો નજારો ઉઠીને જૂટો નજારો મેં થારાન થે આ તો મેં થારો હું થે મારા હો ગુરુ કિતે લોગો રે કીડો હાથ ખડા કરને બતાવો વાસુજી કાન ભોગ્યોડા ભોગ્યોડા જેને જેને ગુરુ હે હાથ ઉઠા દે ઓર જેને નહીં હે કોઈ જરૂરી નહીં હો વા ઠીક બાત આપને ભલે જપ કિયા भले ही पैदल यात्रा की भले ही पूजा की भले ही पद यात्रा कर दी दान किया पुण्य किया सब कुछ यदि किया और यदि कान नहीं भूखी उड़ा है तो नी की हुआ बराबर है। आज मेरे जीवन में गुरु करना चाहिए, गुरु आदमी की दशा और दिशा दोनों बदल जावे। और आदमी का जन्म होता है दो बार, एक बार तो माँ की कोख से होता है और दूसरा गुरु महाराज के संस्कारों से उसका जन्म होता है। तो फिर आदमी समझ जाता है जिस बात को कि हमको अच्छा करना है, हमको इस दुनिया में आए हैं तो करना क्या है। गुरु मेरी पूजा हिसा, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदे, दोनों हाथों उठाकर अपने अपने गुरुदेव का सम्मान करते हुए, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरु पाद ब्रह्म, हा गुरु भगे भजन के पीछे कहीं ना कहीं कारण छिपा हुआ है। आप जय बोल रहे हो तो आपको ही कारण है, आप इन जगह आया हो तो कोई कारण हो। मैं सही कह रही हूं, मैं मारे कहने झूठ रो कोई देखो है आप ही नहीं। आप इन जगह आया हो तो कोई ना कोई कारण आया हो, और मैं इन जगह आया हूं तो कोई ना कोई बिगर कारण आदमी घर छोड़े आप ही को। भगवान घना ही फूटना बना दिया, आ नाक दे दिया, कान दे दिया, आंखें दे दी, हाथ दे दिया, सब कुछ भगवान दिया, लेकिन भगवान ने आपा कहीं दी हो तो बताओ। एक जय बोलना रो काम वही नहीं बोला भाई, इकांदरे तिकांदरे बोला तो कट काम आई बताओ, बड़ो मुश्किल काम है। भगवान पाचो होते कहीं जमारो कहीं दू, हमें तो ब्लास्ट प्लेट फेर लिया है पाचो ने हमके जमारो कहीं देो। तो भक्ति के हैं बस भगवान, गुरु जी केवल 5 साल का उन्होंने भगवान की भक्ति की अटल लाज प्राप्त कर दियो। तो आज कौन 5 साल को 40 साल कह दी मनी माला फेरो को नहीं, तो कही के मोटा मोटा भूल गया कोई माला फेरने थोड़ी है, माला तो पछ बुढ़ा मोजन फेरा पछ कहीं कोई जीभ भी नहीं बाकी कहीं नहीं फेरे। धर्मीदास जी महाराज लिखियो है ए धर्मीदास ए
ਕਰੋ।